डियर स्टूडेंट ध्यान दें, क्लास टेंथ इंग्लिश मीडियम क्लासेस सब्जेक्ट बायोलॉजी, आप लोग भी अपनी बुक निकाल लें और बुक में ध्यान से समझें, देखें। सभी स्टूडेंट के पास बुक होना चाहिए। पार्ट फोर आज स्टार्ट किया जा रहा है। टॉपिक है आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन ऑफ प्लांट। आप जानते होंगे आर्टिफिशियल मीन्स होता है कृत्रिम, प्रोपेगेशन मीन्स यहां जनन से है। पौधों में कृत्रिम प्रजनन अर्थात एक नेचुरल रिप्रोडक्शन होता है और एक पौधों में जो मानव द्वारा निर्मित क्रिया कराई जाती है उसे आर्टिफिशियल कहते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इसमें द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग मेनी प्लांट फ्रॉम वन प्लांट बाय मैन मैड मेथड इज कॉल्ड आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन ऑफ प्लांट। आप लोगों को यह बताया जा रहा है कि पौधों में जो वृद्धि होती है वो विभिन्न प्रकार की होती है। उसमें अधिक वृद्धि बनाने के लिए प्लांटों में कुछ मानव निर्मित मानव विधि से प्रोपेगेशन कराया जाता है प्लांटों में, जिसे हम आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन कहते हैं। क्या है ये, इसमें प्रोपेगेशन में कौन सी मेथड है? पहला मेथड है नंबर एक आपका कटिंग, दूसरा है लायरिंग, तीसरा है ग्रफ्टिंग। सबसे पहले देखते हैं कटिंग क्या है। पहला, ये स्मॉल पार्ट ऑफ ए प्लांट व्हिच इज रिमूव्ड बाय मेकिंग इज कट विथ ए शार्प नाइफ इज कॉल्ड ए कटिंग। एक छोटे पौधे को हम किस तरीके से बनाते हैं, तैयार करते हैं, उसके बारे में दिया गया है। सबसे पहले हम किसी पौधे का नीचे का पार्ट स्टेम जैसे धारदार चाकू से काट लेते हैं और काटने के बाद उसमें से नए ब्रांच का निर्माण होता है जिसे हम कटिंग भी दिखाते हैं। ये कटिंग में भी ये पीस ऑफ स्टेम, एक पीस ले लेते हैं स्टेम का और उसी को काट देते हैं। रूट ऑफ एवन लीफ व्हिच मेकिंग कटिंग आर शुड ये टेकन टू सी दैट दियर आर सम बर्ड्स। आपको नीचे की तरफ दिखाया गया है। पहला है ये स्टेम कटिंग व्हिच प्लांटेड सॉयल। इस प्रकार से आप देख रहे होंगे कि एक स्टेम लिया गया, उसको मिट्टी में लगा दिया गया और ऊपर की तरफ स्टेम को काट दिया गया, मिट्टी से अपना वो रूट हियर फैलाया, न्यूट्रिएंट अब्जॉर्ब करके देखिए आप बडिंग दिखाया गया है, कलिकाई नए पौधे बन रहे हैं। ठीक इसी प्रकार से बी है, स्टेम कटिंग डेवलप रूट एंड शूट। किस प्रकार से रूट की वृद्धि हुई और शूट की वृद्धि हुई, शूट में चाहे आपके तने से आप देख रहे हैं रूट की वृद्धि हो गई, ग्रोथ हुआ मिट्टियों में और ऊपर बड जो बना था यहां पर ये आगे चलकर लीफ का प्रोडक्शन कर दिया। इसके बाद तीसरा पोजीशन में दिखाता है सी, ये न्यू प्लांट इज फॉर्मेड। अब एक नया पौधा आपका तैयार हो गया, इट इज ए वेरी गुड ब्यूटीफुल, एक सुंदर अच्छा पौधा आपका तैयार हुआ और इस प्लांट को कहीं भी आप लगा देते हैं तो नए पौधे उससे भी बनने लगते हैं। इस प्रकार से आपका ये कटिंग विधि चलता है। अब अगला आपका है लायरिंग, आपकी लायरिंग विधि। लायरिंग विधि में आप देखेंगे कि लायरिंग विधि क्या है।
लायरिंग विधि में आपके दिखाए गए हैं। लायरिंग इन दिस मेथड ये ब्रांच ऑफ प्लांट इज प्यूलेट टुवर्ड द ग्रोन एंड ए पार्ट ऑफ इट्स कवर्ड विथ मॉइस्ट सॉयल लीव द टिप सॉयल लीव द टिप द ब्रांच एक्सपोज्ड एबो द ग्राउंड। आप नीचे की तरफ देखते होंगे इसमें ग्राउंड में आप आ जाइए प्लांट पर अपने देखिए ये प्रोपेगेशन इज जैस्मिन प्लांट है एक जिसे हम चमेली का प्लांट बोलते हैं हिंदी में। इसमें आप देख रहे हैं कि सॉयल है मिट्टी है नीचे ये आपके रूट हियर है रूट निकले होते हैं ये ब्रांच ऑफ कटलेटर यहां से जब ये मिट्टी में ब्रांच को लगा दिया जाता है तो ऊपर की तरफ मिट्टी के ऊपर हम यहां पर काट देते हैं कटिंग कर देते हैं और कटिंग करने पर एक नए पौधे न्यू प्लांट तैयार हो जाते हैं और इसको कहीं लगा देते हैं जैसे यहां पर भी आपको दिखाया गया एक न्यू प्लांट बन रहा है और ये जो बड़ा वाला प्लांट है इसे पेरेंट प्लांट कहते हैं माता पिता इसी से इसका निर्माण हुआ फंडामेंटल हुआ। इस तरीके से हम यहां पर चमेली का दिखाते हैं इसी तरीके से नींबू को भी लगा देते हैं। अब आगे चलकर हम देखते हैं जो है ग्रेफ्टिंग आपका है ग्रेफ्टिंग क्या है। ग्रेफ्टिंग इज मेथड इज व्हिच द कट स्टेम टू डिफरेंट प्लांट वन विथ रूट एंड अदर विदाउट रूट आर ज्वाइंट टूगेदर इन सच ए वे दैट द टू स्टेम ज्वाइन ए ग्रो ए सिंगल प्लांट। पुनः एक बार फिर देखते हैं ग्रेफ्टिंग विधि में भी मोटे स्टेम को लेते हैं देखते हैं ये एक ऐसी विधि है जो स्टेम को कट करते हैं कट स्टेम टू डिफरेंस दो पौधे में अंतर आ जाते हैं दोनों में आर ज्वाइंट टूगेदर इन सच ए वे द टू स्टेम ज्वाइन ए ग्रो इन सिंगल प्लांट। काट करके हम और दूसरे को प्लांट को काट करके स्टेम को उसी में क्या कर देते हैं जोड़ देते हैं। द कट स्टेम ऑफ ए प्लांट हैविंग रूट द कट स्टेम ऑफ एन अदर प्लांट इज कॉल्ड सेक्शन। इस प्रकार से कट करते हैं और नए पौधे का जन्म होता है। अब नीचे की तरफ देखेंगे किस प्रकार से ये कट किया गया है आइए देखिए फिगर नंबर 36 में दिया गया है द ग्रेफ्टिंग मेथड फॉर द आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन ऑफ प्लांट। आर्टिफिशियल में आप समझते होंगे मानव निर्मित कृत्रिम विधि अर्थात कृत्रिम के द्वारा जो बनाए जा रहे हैं तो इसमें आप देख रहे हैं रूट निकला हुआ है जो मिट्टी में है रूट के ठीक ऊपर स्टाक रोटेड पार्ट ऑफ ग्रेफ्ट यहीं पर धारदार चाकू से काट देते हैं तिरछा जिसे हम स्लैंटिंग कट कहते हैं और ऊपर एक दूसरा सेक्शन तैयार हो जाता है सेक्शन कट अनदर प्लांट। आप स्टेम में नोड देख रहे होंगे छोटे छोटे गांठ टाइप के पाए जाते हैं इसके अंदर यही आपके न्यूक्लियस का काम करते हैं केंद्र किसी से सेल डिवाइड होते हैं। बी वाले प्लांट में आप आ जाइए देखिए बी वाले प्लांट में ला करके जो काटे थे और दूसरा एक कटिंग किए थे उसी में जोड़ देते हैं और जोड़कर सेक्शन एंड स्टाक ज्वाइंट टुगेदर साथ इसको बांध देते हैं। बांधने के बाद फिर आगे चलकर एक नए पौधे का निर्माण हो जाता है
और काफी ग्रफ्टिंग विद के द्वारा प्रोडक्शन देता है। एज ए फिगर आप फिगर नंबर ऑफ 37 में देखेंगे, ग्रफ्टिंग वाज यूज टू ग्रो दिस एप्पल ट्री। इस प्रकार से एप्पल ट्री का ग्रफ्टिंग मेथड द्वारा बनाया गया है जो काफी प्रोडक्शन दे रहा है। इसी तरीके से हम ग्रफ्टिंग प्लांट को ले लेते हैं। आगे चलकर हम अब इससे लाभ क्या है इसको हम देखते हैं। आइए देखिए ग्रफ्टिंग से लाभ क्या है। एडवांटेज ऑफ आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, क्या लाभ मिला। एज ए पहला, द न्यू प्लांट प्रोड्यूस बाय आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन विल बी एक्सट्रीमली लाइक द पेरेंट प्लांट। एनी डिस्क्राइब फीचर ऑफ द पेरेंट प्लांट बी रिप्लेस इन न्यू प्लांट। यहां कहानी का अर्थ हुआ कि अपने माता पिता पेरेंट पुराने प्लांट से न्यू प्लांट का जन्म होता है। अगला पॉइंट है, मेनी प्लांट कैन बी ग्रो फ्रॉम जस्ट ऑन पेरेंट प्लांट बाय आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन। अपने पेरेंट की भांति ये और अधिक उससे प्लांट में ग्रोथ होता है, वृद्धि होता है। वी कैन ऑल्सो गेट सीडलेस प्लांट बाय आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन। इस विधि द्वारा सीडलेस भी बनाया जाता है प्लांटों का, सीड को खत्म कर दिया जाता है। तो आपकी ये तीन मेथड बताए गए। पहला मेथड आप जान ही गए होंगे, कटिंग बताया गया, दूसरा लायरिंग बताया गया और तीसरा ग्रफ्टिंग। अब आगे मेन आपका एक और टॉपिक बच रहा है जिसे हम टिश्यू कल्चर कहते हैं। आइए देखिए टिश्यू कल्चर ऊतक संवर्धन क्या है, ये भी एक मेथड है विधि। द प्रोडक्शन ऑफ ए न्यू प्लांट फ्रॉम ए स्मॉल पीस ऑफ प्लांट टिश्यू रिमूव्ड फ्रॉम द ग्रोथ टिप ऑफ ए प्लांट इन ए सुटेबल ग्रोथ मीडियम इज कॉल्ड टिश्यू कल्चर। जब हम अधिक हमको प्लांटों में प्रोडक्शन को बनाना है तो एक टिश्यू विद द्वारा ये कार्य करते हैं, एक स्मॉल पीस को ले लेते हैं प्लांट को, अगले में रिमूव्ड कर देते हैं उसको, और रिमूव्ड करने के बाद जो उसमें ग्रोथ हुआ वो कल टिश्यू कल्चर के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार हम इसे क्या कहते हैं, टिश्यू कल्चर कहते हैं। टिश्यू कल्चर से कुछ और एडवांटेज भी दिए गए हैं जो इसके माध्यम से भी बनाए जा रहे हैं। अब देखिए टिश्यू कल्चर के क्या माध्यम है, एडवांटेज ऑफ टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर इज ए वेरी फास्ट टेक्निक। वैज्ञानिकों ने इसको कहा है कि ये वेरी फास्ट टेक्निक है, तकनीक है। थाउजेंड ऑफ प्लांट प्लेट्स कैन बी प्रोड्यूज इन ए फ्यू वीक टाइम फ्रॉम ए स्मॉल अमाउंट ऑफ प्लांट टिश्यू। इस प्रकार से बहुत अधिक प्लांटों का प्रोडक्शन होता है कम ही दिनों में, इसलिए यह विधि सर्वोत्तम मानी जाती है। दूसरा पॉइंट है, द न्यू प्लांट प्रोड्यूस बाय टिश्यू कल्चर आर डिजीज फ्री। बहुत वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नए पौधे का उत्पादन जो होता है टिश्यू कल्चर द्वारा उसमें डिजीज फ्री होता है, डिजीज नहीं होता, रोग नहीं होता। इस प्रकार से अगला पॉइंट है, वेरी लिटिल स्पेस इज नीडेड फॉर डेवलपिंग न्यू प्लांट बाय टिश्यू कल्चर। इस प्रकार से काफी इसमें वृद्धि होती है इसलिए इसकी आवश्यकता होती है। अब आप लोगों को जो पढ़ाया गया है मेन मेन पॉइंट ब्लैक में है उसको आप कॉपी पर नोट करेंगे और ध्यान से आप समझेंगे। थैंक यू।